अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, आप लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ना है ये जो पहला लेसन पढ़ चुके हैं उसकी एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज ये है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। फिल जब कोई वर्ब शुरू में आ जाए तो वो अम्र बन जाता है, पहले अम्र इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिल मतलब भरो, इन द ब्लैंक्स ब्लैंक्स खाली जगहों में, विद सुटेबल वर्ड्स मुनासिब अल्फाज से, यानी खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरिए। कहां? फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, नीचे एक बॉक्स जो बना हुआ है इसमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उन अल्फाज को निकाल करके जो नीचे खाली पैराग्राफ है उसमें भरना है। देखिए बॉक्स में कौन कौन अल्फाज हैं, एक है स्टार्टेड, वेंट, कुक्ड, गेव, स्टॉप, ये अल्फाज हैं। नीचे आप इबारत लिखी जा रही है, बीच बीच में छोड़ देंगे, गैप कर देंगे, उसी में इसको भरना है। देखिए वन डे तारा, टू अ फॉरेस्ट, तो तारा के बाद टू अ फॉरेस्ट से पहले खाली जगह है, यहाँ क्या भरोगे? वन डे तारा वेंट टू अ फॉरेस्ट, क्या भरेंगे? वेंट टू अ फॉरेस्ट। एक दिन तारा जंगल गई। डियर एंड ओल्ड वुमन गेव तारा मैजिक, अब यहाँ पे देखिए वुमन के बाद में क्या भरोगे? गेव भरोगे। डियर एंड ओल्ड वुमन, वहां एक बूढ़ी औरत ने गेव दिया तारा को अ मैजिक, एक जादुई बर्तन, मैजिक पॉट एक जादुई बर्तन दिया। आगे देखिए द पॉट पॉरिज, अब पॉट पॉरिज के बीच में खाली जगह, यहाँ क्या भरेंगे? हाँ कुक्ड भरोगे। द पॉट कुक्ड पॉरिज, बर्तन ने दलिया पकाया या बनाई। When someone said, जब कोई कहता था पॉट कुक बनाओ बर्तन बनाओ। Eat cooking if someone said stop pot stop, तो देखिए eat के बाद में खाली जगह है, यहाँ क्या भरोगे? इट स्टॉप्ड, ये रुक जाता था, यानी बर्तन रोक देता था बनाना अगर उससे कोई कहता था स्टॉप पॉट स्टॉप, यानी बर्तन से कोई कहता था स्टॉप पॉट स्टॉप तो बनाना बंद कर देता था। तारा एंड हर मदर, तारा एंड हर मदर कुकिंग, अब हर मदर के बाद कुकिंग से पहले खाली जगह, यहाँ क्या भरोगे? बोलिए। तारा एंड हर मदर कुकिंग पॉरिज एंड डिड नॉट गो हंग्री, क्या भरेंगे? हाँ स्टार्टेड, तारा एंड हर मदर स्टार्टेड, तारा और उसकी माँ ने शुरू कर दिया, शुरू कर देती थी, तारा और उसकी माँ शुरू कर देती थी कुकिंग पॉरिज दलिया बनाना, एंड डिड नॉट गो हंग्री, और वे भूखे नहीं रहते थे। दलिया बनाना यानी भूख लगती, दलिया बनाना शुरू कर देते, इस तरीके से वे भूखे नहीं रहते थे। आगे देखें लैंग्वेज प्रैक्टिस, जबान की मश्क, कह रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विच ए एन आर द, नीचे फिर खाली जगह दिए हुए हैं उसमें ए कहाँ भरेंगे, एन कहाँ भरेंगे और द कहाँ भरेंगे। तो आपको बताया गया था कि ए अगर किसी लफ्ज, कोई लफ्ज अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो उससे पहले ए भरेंगे कॉन्सोनेंट से, और अगर कोई लफ्ज वॉवेल से शुरू, हाँ वॉवेल कोई बताया कितने हैं? वावल पांच हैं, ए आई ओ यू, ये पांच हैं, इनसे अगर कोई लफ्ज शुरू होता है तो उससे पहले एक के लिए एन लगाएंगे, और किसी नकरा को मारिफा बनाने के लिए दा लगाएंगे। तो वंस दियर वाज़ अ किंग, एक मरतबा एक राजा था, किंग से पहले ये बढ़ाएंगे, एक राजा था, ही हैड ब्यूटीफुल गार्डन, तो यहाँ क्या भरोगे? ही हैड अ ब्यूटीफुल गार्डन। फिर आगे क्या है? गार्डन है एप्पल ट्री, ऑरेंज ट्री, मैंगो ट्री, यहाँ क्या भरोगे? गार्डन से पहले क्या भरोगे? द गार्डन, द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री, आप यहाँ एन भरोगे इसलिए कि एप्पल वॉवेल से शुरू होंगे इससे पहले, तो द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री, ऑरेंज ट्री एंड अ मैंगो ट्री, बागीचे में एक सेब का, संतरे का और एक आम का पेड़ था। इन द गार्डन चिल्ड्रेन यूज टू प्ले, बागीचे में
बच्चे खेला करते थे, यूज्ड टू प्ले, खेला करते थे। किंग वाज वेरी हैप्पी, अब किंग से पहले क्या करोगे, द, हाँ, द किंग वाज वेरी हैप्पी टू सी चिल्ड्रेन, राजा बच्चों को देखकर बहुत खुश होता था। आगे भी देखें, स्टडी द गिवन क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स बिगिनिंग विथ व्हेन एंड विथ, स्टडी पढ़िए द गिवन क्वेश्चंस, दिए हुए सवालात को और उनके जवाबात को, जो कि विथ से, व्हेन से और विच से शुरू है। देखिए व्हेन, व्हेन, व्हेन वर यू बॉर्न, सवाल है व्हेन वर यू बॉर्न, कब पैदा हुए थे, जवाब है आई वॉज बॉर्न ऑन 12 अगस्त 1998, मैं 12 अगस्त 1998 में पैदा हुआ था, ये जवाब है इसका। व्हेन डू यू गेट अप, गेट अप मतलब उठना, बेदार होना, व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब बेदार होते हो, आई गेट अप एट 6 o'clock इन मॉर्निंग, मैं सुबह 6 बजे बेदार होता हूँ। When did India become free? हिंदुस्तान कब आजाद हुआ, become हुआ, फ्री आजाद, जवाब है India became free on 15th August 1947, हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। अब विच से शुरू होने वाले लफ्ज के बारे में बता रहे हैं कि विच कलर डू यू लाइक, कौन सा रंग तुम्हें पसंद है, यानी कौन सा रंग तुम पसंद करते हो, जवाब है आई लाइक रेड कलर, मुझे लाल रंग पसंद है या मैं लाल रंग पसंद करता हूँ। विच बुक इज योर्स, आपकी कौन सी किताब है, विच बुक इज योर्स, आपकी कौन सी किताब है, द बुक ऑन द टेबल इज माइन, टेबल पे जो बुक है, किताब है, वो मेरी है। विच गेम आर दे प्लेइंग, कौन सा खेल ये लोग खेल रहे हैं, जवाब है दे आर प्लेइंग वॉलीबॉल, वे लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो ये था एक्सरसाइज, कहाँ कहाँ कौन सा लफ्ज किस जगह भरना है, ये एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। अब आइए, इनमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनको लिखाया जाना था, आप लोग कॉपी निकालिए और लिखिए। सबसे पहले लिखिए फिल, एफ आई डबल एफ, फिल ये वर्ब है, शुरू में आ जाएगा, इससे पहले फूड नहीं लगाएंगे तो ये पहले आउट बन जाएगा, इसके माने होंगे भरो, भरो। ब्लैंक, बी एल एन के, ब्लैंक खाली जगह, ब्लैंक खाली जगह। सुटेबल, एस यू आई टी ए बी एल ई, सुटेबल मुनासिब, मुनासिब। वर्ड्स, डब्ल्यू आर डी एस वर्ड्स, अल्फाज। बिलो, बी एल ओ डब्ल्यू, बिलो नीचे, नीचे। लैंग्वेज, एल एन जी ए जी, लैंग्वेज जबान। प्रैक्टिस, पी आर ए सी, पी आई सी, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मश्क, मश्क। टू प्ले, 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 टू प्ले, पी एल ए वाई, प्ले। अब इसके आगे इन्हीं तीनों मामले लगा, दोनों मामले लगा सकते हैं, प्ले, 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 खेलना, खेलना। स्टडी, स्टडी, एस यू टी वाई, स्टडी। सेकेंड वन, एस टी यू डी आई डी, स्टडी, स्टडी। पढ़ना, पढ़ना, व्हेन, तब, डब्ल्यू एच ई एन, व्हेन, कब।
when, cup, and you can reach WHICHB कौन सी to get up to get up बेदार होना to become free F-R-3 आजाद होना to become होना फिर आगे एड करेंगे तो आधार कलर COAO कलर रन गोल्स YOURS गोल्स तुम्हारा या तुम्हारी सबक पढ़ाया जाएगा दूसरा लेसन पढ़ाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।